हमारी रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेशल किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो उन तक पहुंच सकें। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सबका अपने स्पेशल किचन में। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूं पार्ले जी चॉकलेट केक, जिसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये पार्ले जी बिस्किट्स। लगभग 40 पीसेस के करीब मैंने ये लिए हैं। एक कप दूध लिया है मैंने, रिफाइंड ऑयल 2 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून मैंने ये कॉफ़ी पाउडर लिया है, एक इनो का पैकेट और 3 पैकेट्स मैंने लिए हैं चॉकलेट्स के। तो चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बिस्किट्स ले लूँगी और ये एक मिक्सर जार ले लूँगी। जार में मुझे तोड़ के बिस्किट्स डालने हैं, जितनी इस जार में आ सकें आप उतने बिस्किट्स डाल लीजिए। और फिर मुझे इसको ग्राइंड करना है, इन बिस्किट्स का बिल्कुल पाउडर बनाना है। अभी मैं मिक्सर जार को बंद कर लेती हूँ और इसे इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो मैंने ग्राइंड कर लिया है, अभी मैं इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और बाकी बचे हुए जो बिस्किट्स हैं उनको भी इसी तरीके से मैं पाउडर बना लूँगी। अब हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें ये चॉकलेट के पीसेस जो हैं डाल लेंगे और फिर हम ये गर्म दूध ले लेंगे और इसमें डालेंगे। गर्म दूध हम इसलिए लेंगे ताकि जो हमारा चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेते हैं, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर डालूंगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये बिस्किट का जो मैंने पाउडर बनाया है अभी ये उसमें डाल लूंगी मैं। और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं, आप चाहो तो घी या मेल्टेड बटर भी डाल सकते हो। एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए हम इसमें 1/4 कप दूध और डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी जो हमने दूध डाला वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का था, पहले हमने गर्म करके डाला था। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक के रखूंगी 4 से 5 मिनट तक। तो चलिए अभी हम साथ में ही अपना नेक्स्ट प्रोसेस भी शुरू करते हैं। अभी हम एक कुकर लेंगे और उसमें 1/2 कप ये नमक डालेंगे। इस नमक का इस्तेमाल आप फिर से दोबारा भी कर सकते हो अगर आप केक बनाना चाहो दोबारा से। अभी मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा फैला लेती हूँ। मुझे अभी 5 मिनट तक इसे प्री हीट करना है और इसके अंदर ये मैं स्टैंड डालूंगी। इसे ढक लेते हैं और गर्म होने देते हैं। तो मैं अभी ये केक टिन ले लूंगी और इसको ऑयलिंग कर लूंगी अच्छे से। इसको पूरे बर्तन में ऑयल लगा लूंगी। ये ऑयलिंग लगा ली है मैंने। अभी मैं ये अपना जो मैंने ये मिक्सचर रेडी किया हुआ है वो ले लूँगी। अभी मैं ये चॉकलेट के पीसेस मैंने कट करके रखे हैं छोटे छोटे, वो इसमें मिलाऊँगी। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हो। और इसको अच्छे से इसके बीच में मिक्स कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून मैं अभी ये इनो लूँगी, वो इसमें मुझे डालना है। इनो आप हमेशा एंड में ही डालिएगा। और थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी मैं इसको इस टिन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ।
अगर इसमें कुछ बबल्स दिख रहे हो तो आप इसको हिला के थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। तो चलिए ये रेडी हो गए हैं, अभी मैं इसे कुकर के अंदर डाल दूंगी और इसको बंद कर देती हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 30 मिनट तक पकाऊंगी। 30 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं। इसको हम टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी जो लिक्विड था इसके साथ नहीं आया, इसका मतलब हमारा केक रेडी है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पे इसे निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये अभी ठंडा हो चुका हुआ है, अब मैं एक चाकू लूँगी और इसको थोड़ा साइडों से ढीला कर लूँगी ताकि ये आराम से निकल जाए। अभी एक प्लेट ले लेते हैं, इस तरीके से इसको ऊपर रखते हैं और उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए बड़ा ही सुंदर केक बना है। अभी हम इसको काट के देखते हैं कितना स्पॉन्जी बना हुआ है ये। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इसको ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा और मुझे ज़रूर बताना ये कैसा बना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।